हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखाज लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं यहाँ पे गाय के घर से काम मतलब शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो जितने भी ये सब उपले पड़े हुए हैं ना, इसे मैं ठीक करूँगी, मतलब अच्छे से रखूँगी, क्योंकि सारे ये जो उपले बनाती हैं सुखा उखा कर रख देती हैं। तो मुझे लगा कि मैं इसे अच्छे से ढंग से रख दूँ। और ये सब गाय के गोबर से बनता है, आपको तो पता ही है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ इसीलिए। और आप सोचते होंगे ये उपले क्या होंगे, तो ये उपले बिक भी जाते हैं और खाना भी बना लेती हूँ हम लोग, मतलब हम लोग। तो नीचे रखने पर ना ये मतलब बारिश का मौसम है, ख़राब भी हो सकता है और टूट टूट जाता है। तो अगर ये टूट जाएगा तो ज़्यादा लोग इसे लेते नहीं हैं, क्योंकि ये गिनती होकर बिकता है। इसीलिए मैं इसे तरीके से रख देती हूँ। कोई भी मतलब चीज़ अच्छे से करो और अच्छे से सेफ रखो तो ही अच्छा रहता है। ये देखने में भले ही गोबर का है लेकिन बहुत काम का है, इसलिए अगर गैस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो हम लोग इसे काम में लाते हैं। और इसे मतलब गाय का हर एक चीज़, गाय का दूध, गाय का गोबर, उसके हर एक चीज़ उपयोग होता है। तो मैं औरत होकर भी घर पे ये सारे काम कर लेती हूँ। तो मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और मेरा एक 2 साल का बेटा भी है और मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं। तो ये सब सारे काम हम लोग लॉकडाउन में शुरू किए थे कि घर पे बैठे मन नहीं लग रहा था, इसीलिए। तो भाई बस बाबू छोटा था तो उसके लिए दूध ज़रूरी था, तो वही हम लोग रखने लगे। और अगर आप गोबर से मतलब लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इसके लिए ना एक मशीन आता है जो इसके मतलब बहुत बड़े बड़े जैसे लकड़ी बन जाते हैं, लकड़ी जैसे ही बन जाते हैं और उसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो वो मशीन अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो वो देख सकते हैं आप, और वो मिल भी सकता है, ऑर्डर करके वो मंगवा भी सकते हैं आप लोग। तो मैं धीरे धीरे प्लानिंग कर रही हूँ कि वो समय का सारे काम मतलब करूँगी और इस चीज़ को मैं बड़ा सा नाम दूँगी। तो गोबर से जो लोग बोलते हैं कि गोबर उठाने से गंदा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा कमाना है तो आपको ये सारे काम करने ही पड़ेंगे और अपने काम में कोई भी शर्म की बात नहीं होती है। गाय रखने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको घर का दूध भी मिल जाता है, ऊपर से आप दूध बेच भी सकते हैं, उससे पैसे भी कमा सकते हैं, उसके गोबर भी से भी मतलब जैसे आपको ठीक लगे। कितनों के यहाँ गोबर ही बिक जाता है, तो वो भी तो फायदे वाली बात है ना, इकट्ठे गोबर बिक जाना है। और मैं आप सोच रहे हैं गोबर से इतना पैसा कैसे आएगा, तो अगर आप ज़्यादा गाय पालती हैं या पालते हैं तो उस टाइम तो सारे गाय के गोबर ज़्यादा ही होंगे, इसीलिए। और ज़्यादा गोबर होंगे उतने ही ज़्यादा उपले बनेंगे, उतने ही ज़्यादा लकड़ियाँ बनेंगी और उसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। और अभी इन सारी चीज़ों का डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मतलब घर बैठे रोज़गार है ये, कोई अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं बातें करते करते इतने उपले मतलब ठीक कर चुकी हूँ और बाकी उपले मैं बाद में रखूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो गाय के लिए ना बड़ा सा जगह चाहिए होता है, तो इधर मतलब दोपहर में गाय आ जाती हैं और क्योंकि बाहर में धूप आ जाता है, इसी वजह से धूप में तो गाय नहीं रह सकती ना, तो 3 बजे के बाद धूप चला जाता है तो यहीं पर वो आ जाती है। और ये अगले दिन का वीडियो है, उस दिन मैं काफ़ी थक चुकी थी तो और बाबू भी उठ गया तो वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पर देखिए मतलब सारे कपड़े मैं उठा ले रही हूँ और फिर अभी गाय को इधर लाने का टाइम हो चुका है, तो कपड़े हटाने के बाद मैं इधर गाय को भी ले आऊँगी। तो 3 बजे के बाद मैं गाय को बाहर निकाल देती हूँ, और क्योंकि शाम को 5 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं ये सारे काम करके रखती हूँ। और 4 बजे दूध निकालने वाले यादव जी आते हैं, तो फिर वो दूध भी बाहर ही निकालते हैं क्योंकि अंदर गंदगी हो जाती है। और इधर दिन में सफाई कर दी जाती है सुबह में, कि मतलब दोपहर में अगर गाय आती हैं इधर तो साफ़ सुथरे में आएंगी। तो यहाँ पर मैं गाय को मतलब खाना भी देती जा रही हूँ और गाय को निकालती भी जा रही हूँ ताकि वो मुझे मारे ना। ऐसे ये गाय बहुत सीधी हैं, लेकिन गाय पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसीलिए अपना सेफ्टी अपने साथ, ये काम एक दिन का तो नहीं है ना, इसीलिए। तो देखिए ये डायरेक्ट अपने खाने के पास ही आएंगी, और इसीलिए मैं पहले इन्हें भूसा वगैरह दे देती हूँ और फिर मैं इन्हें बांधती हूँ। तो अभी ना मुझे मतलब 15 से 20 मिनट लगते हैं, इन्हें साथ साथ में खाना भी दे देती हूँ, पानी भी दे देती हूँ, ताकि मतलब अंदर से आते हैं तो प्यासे होते हैं, गर्मी काफ़ी लगती है इन्हें, तो इसलिए मैं पानी भी देती रहती हूँ, नहीं इधर नल चला दी हूँ, और पानी भी मतलब बाल्टी में भर लेती हूँ। और इन्हें देखिए कितने पानी ये पी जाएगी, इसलिए ये जब पी जाएगी तो फिर मैं उसमें और भी पानी डाल दूँगी।
और अभी मैं तीसरी गाय लाने वाली हूँ। तो ये आ गई तीसरी गाय और मैं फटाफट से बांधे जा रही हूँ क्योंकि बाबू अभी सोया हुआ है, और फटाफट से मैं सारे काम सोचती हूँ निपटा लूँ। तो गाइस वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे मतलब अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। गाय की सेवा करना तो अच्छा ही माना जाता है। तो बस अब इसकी बछिया भी निकाल लूँगी, लेकिन पहले इन लोगों को खाना पानी दे दूँ, फिर उसे भी पानी दूँगी और खाना दूँगी। मैं साथ में ही सबको खाना मतलब पानी दे देती हूँ ताकि मतलब प्यास वगैरह लगे तो पी भी ले और खाना भी खा ले अपना। तो एक रूम में तो इनका भूसा होता है, दाना पानी वगैरह होता है, और एक रूम में गाय भी होती हैं और इधर भी गाय रहती हैं, और एक रूम में इसके उपले मतलब होते हैं। तो इधर गाय का ही मतलब मेरी सास भी पहले बहुत सारी गाय रखती थी, इसीलिए ये सब बना हुआ था। तो वो बेच चुकी थी, फिर हम लोग ने मतलब इतने सारी गाय कर ली। मेरे हस्बैंड को गाय पालना बहुत ही पसंद है, तो मैं भी उनका साथ दे देती हूँ, और अच्छा भी लगता है कि घर बैठे आखिर में क्या हम लोग करते हैं, कुछ ये सब भी कर लो। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये काम अनपढ़ लोग ही करें, पढ़े लिखे लोग करेंगे तो और भी मतलब अच्छी तरीके से करेंगे, सबका तरीका अलग होगा। अगर हम लोग गाय अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसके लिए हम लोग आदमी भी रखेंगे, क्योंकि अकेले मुमकिन नहीं है, उन लोगों को भी रोज़गार देंगे। तो यही अब हो गया है कि रोज़गार दीजिए तो ही आपका देश चलेगा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि रोज़गार दूँगी उन्हें और ख़ुद भी काम करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी। तो गाइस अभी मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह चले जाते हैं, तो मुझे इधर भी करना होता है और उधर भी करना होता है इसी वजह से। तो मैं सोच रही हूँ एकदम आराम से कोई रूटीन बना लूँ, फिर मैं सारे काम करूँगी उसी के अनुसार इसीलिए। और इधर मैं इस बाछी को भी खाना दे देती हूँ क्योंकि इसे भी भूख लग रही है, और देखिए कैसे मांग रही है कि सबको दे दी, मुझे नहीं दे रही है। तो सुबह में जो मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो जो मतलब सुबह का सारा काम संभाल लेते हैं, और थोड़ी बहुत भी मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ क्योंकि अभी गोबर उठाने वाली आ नहीं रही है, इसीलिए अगर आती है तो मैं इधर सुबह में मतलब मेरा काम होता है घर का, सारे झाड़ू पोछा वगैरह करना, खाना बनाना, यही सब होता है, क्लीनिंग का काम और खाना बनाना, और फिर शाम को मैं इधर करती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड आए तो थोड़ा सा उनको आराम हो जाए। तो बस सारे काम हो गए हैं और मैं यहाँ पे हाथ पैर वगैरह धो लेती हूँ, और फिर यादव जी आएंगे दूध निकालने तो फिर मैं उनके साथ मतलब साथ में खड़ी रहती हूँ। तो यहाँ पर यादव जी आ चुके हैं दूध निकालने वाले, और बस मैं यहाँ पे बाल्टी वगैरह सारे सब ठीक करके रख ली थी, और बस उसे वो गाय का दूध निकालेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत ना मक्खी काटती है तो पैर वगैरह चलाती है, इसलिए मैं यहाँ पर डंडा और मतलब मक्खी भगाने के लिए एक गमछा वगैरह रखती हूँ ताकि अच्छे से मतलब दूध निकलवा सके, क्योंकि ये काफ़ी बूढ़े हैं, अगर पैर वैर चला देगी तो इन्हें ही मतलब क्षति पहुँचेगा इसी वजह से। तो प्लीज़ गाइज वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। और अभी मैं दूध निकलवा कर फिर बाबू उठ जाएगा, फिर उसे दूध वगैरह गर्म करके दूंगी, और दूध जो लेने आएंगे उन्हें भी दे दूंगी। प्लीज़ सारे मेरे वीडियो प्लीज़ पीछे का चेक कीजिएगा, और प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कीजिएगा। बाय।